जय जितेंद्र दोस्तों। और दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। आज मैं आपके सामने एक तरोताज़ा फ्रेश सी एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ एक स्मार्टफोन के, जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 10। ये फ़ोन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसकी जो फर्स्ट फ्लैश सेल गई थी वो फ्लिपकार्ट पे गई थी अराउंड जो संडे गया था, अभी 13 जून को इसकी फ्लैश सेल गई थी। पहला जो सेल इंडिया में हुआ था वो फ्लिपकार्ट पे 13th ऑफ जून को दोपहर 12 बजे इसकी सेल चालू हुई थी। एंड लकीली फॉर्चुनेटली मैंने इसकी फर्स्ट फ्लैश सेल में ही इसको मैंने परचेज कर लिया। तो ये फ़ोन काफ़ी इम्प्रेसिव है गाइस, जो इसके फीचर है, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फ़ोन मिल रहा है, जिन फीचर के साथ, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो मार्केट में कॉम्बिनेशन मिलना आपको बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक बार इस फ़ोन के जस्ट जो मेन बॉक्स पे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए पढ़ के बता देता हूँ। ये मैंने 6GB प्लस 128GB का वेरिएंट लिया है, एंड आपको इसमें 6GB प्लस 64GB का वेरिएंट मिलता है, दूसरा मिलता है 6GB 128, और तीसरा वेरिएंट मिलता है आपको 6GB प्लस 256GB स्टोरेज का। इसमें 6.95 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है, ठीक है। एंड इसके बॉक्स के पीछे कुछ और हाइलाइट्स में बता देता हूँ आपको। इसमें हीलियो का G85 सुपर गेमिंग प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, 5000 मिली एम पावर की बैटरी मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा मतलब बैटरी बैकअप माना जाता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। एंड इसमें एंड्रॉयड 11 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा विद XOS 7.6 का। बॉक्स पे जो उसकी प्राइस मेंशन कर रखी है वो है 14999 की, बट आपको जो ये मैंने वेरिएंट लिया है 6GB प्लस 128GB आपको मात्र 11999 में मिल जाएगा, ठीक है गाइस। एंड बाकी और भी कोई प्रमोशनल स्कीम्स है वो आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे जाके, जो उसकी सेल चल रही होगी। बॉक्स के अंदर आपको एक हैंडसेट मिल जाएगा, एक USB केबल मिल जाएगी, एक चार्जर, एक सिम इजेक्टर टूल, एक वारंटी कार्ड, एक साथ में आपको प्लास्टिक केस भी मिलेगा। तो गाइस चलिए इसकी अब हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फोन कैसा है। ये देखिए, ये जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है बड़ा ही दिलचस्प होता है, जो ये फर्स्ट टाइम ऐसे ये पन्नी हटानी होती है फोन की, बड़ा ही यार मजा आता है। काफ़ी अच्छी तरह पैकिंग दे रखी है फोन की, तो उसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस आवाज़ सुनी, तो पन्नी की आवाज़ में बड़ी शानदार लगती है। तो जैसे कि मैंने इसकी रैपिंग तो हटा ली है, एंड इसमें दो सील्स लगी हुई, सील्स को ब्रेक करेंगे इसके हम। काफ़ी हाई क्वालिटी सील्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक टाइट सील है। तो फ्रेंड्स आ गया वो पल जब हम इसका फर्स्ट टाइम बॉक्स को हटाएंगे, तो फर्स्ट टाइम इसका बॉक्स को हम अनबॉक्स कर रहे हैं, खुल जा सिम से। वाओ, मतलब क्या फ़ोन है यार, मतलब जस्ट देखो गाइस आप, बहुत ही ज़्यादा स्लीक फ़ोन है। इसको फिलहाल के थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड में रखते हैं, एक कचरा ज़्यादा एक साइड पर कर देते हैं। हम देखते हैं बॉक्स में हमें कंटेंट और क्या क्या मिल रहे हैं। एक तो आपको इसमें 33W का फास्ट चार्जिंग चार्जर मिल रहा है। देखो मैंने इसमें ना ग्रीन कलर ऑर्डर किया है, एंड ग्रीन कलर के टच के हिसाब से जो उसका USB पोर्ट है, USB इसमें आपको USB A टू C केबल मिलेगी ना, जो USB A पोर्ट है वो भी देखिए इसमें ग्रीन कलर का। एंड साइड में थोड़ी सी चार्जर के लिए ग्रिप भी दे रखी है आपको, इसमें अच्छी तरह पकड़ने में बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे ये। दूसरी चीज आपको इसमें USB A टू C केबल मिलती है, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है टाइप सी का होना। ये आपको एक इसमें सिम इजेक्टर टूल गाइस मिल जाती है। ये आपको इन्फिनिक्स का एक्स क्लब का मेंबरशिप कार्ड मिलता है, कुछ होगा आई थिंक, पढ़ के देखें क्या है इसके बारे में। ये कुछ आपको रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा इसमें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थोड़ी बहुत। एंड ये फोन के प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें प्लास्टिक का केस भी दे रखा है, ये देखिए, मतलब ठीक है। जो 20,000 तक की जो ये हमारी जो प्राइस ब्रैकेट है 10,000 से 20,000 की, उसमें इस तरह की क्वालिटी केस मिलते हैं, काफी स्लीक है, काफी बढ़िया केस है ये। एंड गाइस एक इसमें आपको बोनस भी दिया गया है, इसमें आपको एक स्क्रीन गार्ड भी साथ में फोन के फ्री दिया जा रहा है, जो कि आपको इन्फिनिक्स के तरफ से ही दिया जा रहा है। तो अब इस फोन की आपको मैं पहली झलक दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी ग्लॉसी फिनिश वाला फोन है। बैक इसकी आप कह सकते हैं पॉलीकार्बोनेट की बैक है इसकी, एंड इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। इसमें क्वाड LED फ्लैश है, इसमें 4 फ्लैशेज है जो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो गाइज जैसे कि आप ये फोन देख सकते हैं, मैंने इसकी जो प्रोटेक्शन फिल्म थी फ्रंट और बैक की दोनों निकाल चुका हूँ मैं, जो सामान था फिलहाल को मैंने साइड में रख दिया है। आपको मैं फोन का जस्ट एक
ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या फोन में है। आपको फोन की राइट हैंड साइड पे इसमें आपको वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, इसमें फिंगरप्रिंट जो सेंसर है इसमें इनबिल्ट है पावर बटन में। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको उसमें एक यहाँ पे स्पीकर मिलेगा, इसमें USB-C का पोर्ट मिलेगा, ये आपको प्राइमरी माइक्रोफोन है, ये आपको हेडफोन जैक आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये पूरी प्लेन है, यहाँ पे बहुत ही अंदर दबा के जो सिम ट्रे इसकी दे रखी है एक वो है। एंड टॉप साइड पे देखें, टॉप साइड पूरी इसकी प्लेन है। फ्रंट पे देखा जाए तो फ्रंट पे इसके 6.95 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, ठीक है। एंड जो इसमें ईयर पीस है, ईयर पीस आप देख सकते हैं ऊपर ही मर्ज है, यहाँ पे इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गए। एंड इसमें पंच होल कैमरा आपको दे रखा है, काफी अच्छी चीज है। इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इस फोन का देखा है तो 91.2% है, मतलब काफी लेस बेजल्स है। बैक साइड पे देखिए तो फिर पॉली कार्बोनेट बैक है ग्रीन कलर की, एंड ये ग्लॉस फिनिश में है जो कि फिंगरप्रिंट काफी अट्रैक्ट करेगा जिससे भी, तो इसके लिए आप कवर लगाएं इसका। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है आपका, 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ कैमरा है, एंड 2 मेगापिक्सल का सब मैक्रो कैमरा है। एंड इसमें एक क्वाड LED फ्लैश है, यहाँ पे AI अल्ट्रा नाइट कैमरा की ब्रांडिंग दे रखी है। ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा रिप्रेजेंट करने के लिए ये कैमरा नहीं है, और यहाँ पे इन्फिनिक्स की जो ब्रांडिंग है वो काफी ज्यादा एम्बॉस हो रखी है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको गाइस पहले इसमें दिखाता हूँ कि इसकी सिम ट्रे कैसी है अंदर से, एक बार सिम ट्रे देखते हैं। तो इसकी हम ये देखिए तो काफी डिजाइनर तरीके की सिम इजेक्टर पिन आने लग गई हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो इसमें आपको, वाह भाई वाह क्या बात, इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। ये वाला फोन माइंडेड, ये वाला फोन 4G फोन है, ये 5G फोन नहीं है। इन्फिनिक्स ने अभी 5G फोन लॉन्च नहीं किए हैं, तो मैंने तभी अभी 4G फोन लिया ताकि अभी कंपैटिबल है, क्योंकि 5G का पूरी तरह अभी सर्विसेज भी लॉन्च नहीं हुई है, कौन से बैंड पे वो ऑपरेट करेगा ये भी नहीं पता। सो दैट्स व्हाई इसमें आपको डुअल 4G सिम नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, एंड डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है जिसको आप 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब क्या करा जाए, इसकी फर्स्ट अनबूट करी जाए तो ओके गाइस चलिए इसकी अब फर्स्ट हम अनबूट करते हैं, पहली बार फोन को बूट करके देखते हैं कि कैसा UI है इसका। हैप्टिक फीडबैक काफी अच्छा है फोन का, वाइब्रेशन फ्रंट पे आप देख सकते हैं, इन्फिनिक्स पावर्ड बाय एंड्रॉइड, फोन बूट हो रहा है, इसमें XOS है तो उसकी ब्रांडिंग शुरू में आ रही है XOS की। कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर लिखिएगा ये फोन आपको कैसा लगा, कोई आपके क्वेश्चंस हैं इस फोन को लेके, आपको मेरे से कुछ पूछना है आप उसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं, कोई आपको सजेशन देनी है, फीडबैक देनी है, या आप फ्यूचर में कोई कहते हैं वीडियो इसकी रिव्यू वीडियो बनाइए, मैं प्रोज एंड कॉन्स की रिव्यू वीडियो मैं वो भी जरूर बनाऊंगा इसकी, ठीक है। तो फोन को जल्दी से जरूर हम सेटअप कर लेते हैं एक बार अपने कंट्री इंडिया, वाईफाई सेटअप कर लेता हूँ, चूँकि मैंने फ़ोन को सेटअप करके निपटा लिया है। एंड इसका जो होम स्क्रीन है काफ़ी बेहतरीन है यार, जो डिस्प्ले आ रहा है ना इसका, कलर प्रोड्यूसिंग रेशियो गाइस, जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैंने फ़ोन को सेटअप कर लिया है पूरा, एंड डिस्प्ले यार क्या बोलूँ मैं, इतना क्लियर इतना क्रिस्प डिस्प्ले आ रहा है, जो उससे कलर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं इसका जो बेसिक UI है, इसका XOS का UI है, आपको क्लीन UI पे मिलेगा। मैं आपको फोन की एक बार इसकी जो स्पेसिफिक दिखा देता हूँ, देखिए इसमें 6GB रैम दिखा रहे हैं, 128GB स्टोरेज है, 48 कैमरा, 5000mAh की बैटरी, 685 का प्रोसेसर है, स्क्रीन का जो रेशो साइज है इसका 1080x2460 का इसका है स्क्रीन साइज, स्क्रीन क्लैरिटी जो पिक्सल्स होते हैं बेसिकली, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। इसके कुछ कैमरा सैंपल्स हैं वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, इसके मैं इसके कैमरा से कुछ फोटोज को पोस्ट करके वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा। एंड फोन के बारे में कुछ सजेशन हो कुछ आपके, ये मैंने क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे इसकी रिव्यू वीडियो बनाने के लिए, एंड प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो बनाने के लिए भी, तो मैं जरूर उसको बनाऊंगा।
एंड फोन के स्पेसिफिकेशन है वो मैंने शुरू में कहीं भी वीडियो में डाल दूंगी, वहां पर जरूर देख लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी स्पेसिफिकेशन डाल दूंगा, बेस्ट बाय लिंक विद प्राइस वो भी सब मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे हम एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए एंड अपना प्यार इस वीडियो में भी दीजिए बाकी वीडियोस की तरह। थैंक यू सो मच। सो गाइस मैंने अपने फोन से कुछ जो उसके बैक कैमरा के कुछ सैंपल्स लिए हैं, जरा आप उसको देखिए एंड बताइए कि सैंपल्स आपको कैसे लगे, ठीक है। ओके।